नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं सैलेड न्यूज़ चैनल 24/7। वुमन एम्पावरमेंट की हम सभी बातें करते हैं, नारी सशक्तिकरण के कई दावे भी हम करते हैं और उसके बाद आजकल हर एक फील्ड में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं, ये भी हम जानते हैं और महिलाओं का बोलबाला है ये भी सबको पता है। तो कई ऐसी महिलाएं हुई हैं जो कि आगे अन्य महिलाओं के लिए भी मिसाल बनी हैं। तो उनमें से एक है हरजीत कौर गिलपिंड से, जिन्होंने एक गृहिणी होते हुए LLM किया, LLB LLM, और उसके साथ अब रॉयल मॉल भी चलाती हैं अपने हस्बैंड सतनाम सिंह जी के साथ। मैं और तुम मिलाकर हम बनता है, ऐसे से हम सफ़र का ये सफ़र चलता है। तो इन्होंने बखूबी निभाया है और काफ़ी प्रेरणा भी हैं आगे महिलाओं के लिए। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो मैम, LLM, इतनी स्टडी कर ली, घर भी संभाल रहे हैं और फैमिली देखते हुए इस तरह से बिजनेस वूमन बनना बहुत बड़ी बात है। सो कैसे मैनेज करते हैं आप? मैनू नहीं लगता इहदे च कोई औखा काम है जी। एक्चुअली मैनू शुरू तो ही शौक सी कि मैं स्टडी करा। जदों मेरी मैरिज हुई, आई थिंक मैं 19 साल दी सी, तो फस्ट ईयर ही कंप्लीट की सी, तो मैरिज हो गई। तो मेरे हसबैंड ने मैंने पूछा तेनू की शौक है, तो मैं क्या मैनू तो पढ़न का ही शौक है। तो फिर सतनाम ने कहा बई चल जे तू पढ़ना चाहती है तो बई आप पढ़ा देंगे। फिर जो मेरी मैरिज तो बाद मेरा रिजल्ट आया फस्ट ईयर का, मैं स्कॉलरशिप भी मिली कॉलेज वालों, मैंने फोन आया तो मैं अपने फादर इन लॉ दसिया डैडी मेरा रिजल्ट आया। तो डैडी सरदार महिंदर सिंह जो हूँ नहीं है दुनिया, तो उन्होंने कहा भी वैसे बैठ के कहते जे मेरी बेटी होंगी ना तो मैं शायद डॉक्टर बनाता। तो मम्मी मेरी मदर इन लॉ गुरमीत कौर, तो वह कहते भी हूँ भी तो अपनी धी है तो हूँ पढ़ा लो। जस्ट वो क्या उन्होंने तो सतनाम ने भी सुन लिया बई चल इन शौक है या कुछ। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने करनी सी सैकेंड ईयर उसकी एडमिशन करवानी सी जदों, तो फिर कहते चल तू नाल ही पढ़ी जा। तो दोनों असी इकट्ठिया ने एडमिशन ली, तो साढ़े कॉलेज नू किसी नू नहीं पता चलिया, असी दो साल पढ़िया इकट्ठिया, तो सब नू यही सी कि बेस्ट फ्रेंड्स है, किसी नू नहीं पता चलिया भी असी ननान पर जाई हाँ। मैं कॉलेज जाना, टीचर्स नू भी नहीं पता सी कि मैं मैरिड हाँ भी मैं इस तरह नहीं हाँ। मेरी वड्डी बेटी उदो 4 months की सी, तो मम्मी ने मैंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया संभालना उन्होंने ही, या मतलब मेरे को आती ही नहीं सी, फिर मम्मी को ही रहती सी, तो बहुत ज़्यादा किया। फिर मैं ग्रेजुएशन की, फिर उस तो बाद 2016 मेरे हसबैंड ना उन्होंने किसी फ्रेंड ने कहा कि उन्होंने वाइफ ने की है LLM भी आप कर सकते हैं मैरिज तो बाद भी इन्ने साल बाद कर सकते हैं, अगर गैप आ गया कोई गल नहीं। तो सतनाम को लगे भी हरजीत को शौक है पढ़न का, अगर वो घर बैठे कर सकती है तो मैं उनका भी फॉर्म फिल करदा। तो जो तो मेरा बर्थडे से तो उदो मैं एक मैसेज आया कि थोड़ी डेटशीट है तो बी थोड़े एग्जाम्स है, तो मैं हैरान बई मैं तो कोई पेपर नहीं फिल किए मेरी डेटशीट है। तो फिर सतनाम ने मैं दसिया बी मैं तेरा फॉर्म फिल करता से हूँ तो पेपर देने जाने हैं बिना पढ़े पेपर भी दे नहीं। फिर मार्च में पेपर होने से ना, दिसंबर च आया, दिसंबर च मेरा बर्थडे होंगे, तो मैं खुद हैरान हुई भी सतनाम सी भी चल इन अगो पढ़ा लिए। फिर 3 साल मैं फिर पढ़ी गंगानगर, मैं एग्जाम अपने देन जाती हाँ हर साल जानी हाँ, हफ्ता हफ्ता उत्थे रहनी हाँ, बच्चे मम्मी को ही होंगे है, मैं कोई टेंशन नहीं होंगी भी मेरे बच्चे इतने है मम्मी को है। फिर उस तो बाद LLM की मैं नाल ही हूँ, वैसे दिल है कि अगो मैं PhD भी दिल है भी मैं करूँगी जी। तो हूँ 31 अक्टूबर में AIB का एग्जाम भी है, तो उधरों इधर का भी साढ़े बिजनेस का भी है जी। तो बिजनेस में आप सिर्फ रॉयल मॉल की जो 109 ब्रांचेज है वो सभी वॉच आउट करते हैं? हाँ, जिवें डीलर्स आते या कुछ सारे नाल आप करते हैं डील, सब का करते हैं। दो पार्टनर्स हैं और बीच में एक लेडी कहते हैं सबसे ऊपर है नहीं अस एक्चुअली जॉय सचदेवा साढ़े पार्टनर है, तो पर कभी ऐसा महसूस नहीं होया भी पार्टनर है, सानू ऐ हुंदा सी भैन भरावां दी तरह सारे है फैमिली मैम फैमिली, सानू कभी भी नहीं महसूस होया। जदों मैं छोटी सी तो असी सिस्टर्स ही हाँ, त्री साढ़ा ब्रदर नहीं है, तो मार्केट का कोई काम होना तो मम्मी ने मैनू भेज देना रात के 10 बजने 11 बजने, मैनू नहीं डर मैं डरती नहीं सी, तो मैं मार्केट का सारे काम करके आती सी, तो सारे कहते भी यह चली जाती है मम, तो मेरे डैडी ने कहना यह मेरे मुंडिया वर्गी है, तो मैं कहनी हूँ मेरे शायद मम्मी डैडी होंगे तो वो देखते भी मैं मुंडिया वाले काम करते सारे बी एक बिजनेस का रहा भी मैं कर लिया जी। तो मेरिया बेटियां मैं कहदियाँ उन्होंने मैं हमेशा ही कहती हाँ भी गर्ल्स टेंशन नहीं होंगे वो टेंशन के बराबर होंगे, तो आप 10 मुंडिया का काम कर सकते हैं। ईवन मैं परसों बहुत खुशी हुई मेरे बेटे ने मैनू कहा मम्मा तुम सही कहते हो बी 10 सेंस के काम तुम करते हो, मैंने सारे मेरे वर्क काउंट करा रहे हैं मम्मा तुम आ भी करते हो, जबकि बॉयज़ तो सिर्फ बिजनेस करते हैं दैट्स ओके, वो कहें असं घर संभाल लिया तुम बच्चे भी पाल लेंगे हो सानू भी संभालते हो तो तुम काम करते हो। कितना प्राउड मूवमेंट होता है एक लेडी के लिए,
बहुत अच्छा लगता है जो तो बच्चे मेरे मैनू कहते हैं या साड़ी कलोनी भी सारे कहते हैं भी असं वकील साहब के घर जाना वै तो बड़े खुशी खुशी होंगी है एक खुद न ही आगे कोर्ट कचहरी का काम भी देख रहे हैं और साथ में बिजनेस एक्चुअली प्रैक्टिस लिए मैं बहुत घट जाती हाँ क्योंकि ज़्यादा मैं इधर ही बिजी रहनी हाँ तो पर एक ऐ वै कि खुद न एक कॉन्फिडेंस है भी मेरे को है डिग्री मैं जाना चाहनी हाँ पर मैं इधरों की ज़्यादा दिल लगा रहा सर नाम तो फिर वो घट जाती हाँ इसलिए कहा जाता है कि शौक सारे माँ बाप ही पूरे नहीं करते हैं अगर हम सफ़र अच्छा मिल जाए तो वो भी सारे शौक पूरे कर देता है और ख़ास करें अगर ससुराल वाले इतने अच्छे मिल जाएं सपोर्टिव मिल जाएं और कहते हैं ना कि बहू को भी बेटी के समान मानना चाहिए साकार कर दिखाया है इस परिवार ने सो मैम कहीं ना कहीं आजकल भी कई लेडीज़ जैसे कई किस्मत की बात कह लो कि कईयों को अच्छा परिवार मिल गया और कई लेडीज़ हैं कि घुटके दबके ही रह जाती हैं तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे मैनू लगता भी अगर लेडीज़ कुछ करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं उन्होंने करना भी चाहिए हाँ बट इन लॉज़ को थोड़े सपोर्टिव होना चाहिए देखो एक कुड़ी अपना घर छड़ के आई है वो तो थोड़े लिए आई है तो तुम उन्होंने भी समझो अगर वो तो कोई शौक है अगर वो थोड़े लिए सारा अपना कुछ कर रही है उन्होंने एक परसेंट भी तुम वो इच्छा वगैरह जो चाहती है पूरी कर दो तो वो गलत गल नहीं है जी सो मतलब चाह जाओ जहाँ चाह वहाँ रहा ये सही है हाँ जी हाँ जी ठीक है जी सो ये थे मैम जिन्होंने नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है और गृहिणी होते हुए आगे बिजनेस वुमन बनी हैं और साथ में वकील साहिबा भी हैं सो इतनी अच्छी मिसाल हमें कहाँ देखने को मिलेगी यही हमारा हिंदुस्तान है यही हमारा पंजाब है यहाँ की महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं पुरुषों को मात दे रही हैं और कहते हैं ना कि लेडीज़ फर्स्ट तो कहीं ना कहीं उस लाइन में लेडीज़ फर्स्ट नज़र भी आ रही हैं और जैसा कि इन्होंने कहा कि बेटी या लड़की टेंशन नहीं होती है टेंशंस के बराबर होती हैं सो ये सोच काफ़ी उम्दा है तो हम सभी को इस सोच को अपनाना चाहिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए और बेटियों के लिए रास्ता छोड़ते रहना चाहिए ताकि वो अपने सपनों की ऊंचाई तक उड़ सके उन्हें पंख लगाएं ना कि उनके पैर काटें और आजकल के टाइम में जैसे कि लड़कियों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है खुलकर जीने की आज़ादी नहीं है काफ़ी बंदिशें हैं और हालात कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए सही नहीं है सुरक्षित नहीं महसूस कर पाती हैं तो हम सभी को चाहिए कि सारा समाज एकजुट हो जाए और लड़कियों के लिए सारे रास्ते आसान हम करें उनके रास्ते में जितने पत्थर आते हैं उन्हें हटाने का काम क्यों ना हम करें तो ऐसे ही आप देखते रहें सैलेड न्यूज़ चैनल कैमरा पर्सन बॉबी नंदा के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ धन्यवाद।